आइए सर, बेटा सर ये है हमारे सही सलामत बैंक के जनरल मैनेजर सुभाष पाटिल जी। नमस्ते सर। और सर ये मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेरा सीक्रेट है। ये हमारे बैंक के सबसे पुराने खातेदारक है। इन सबको अकाउंट ओपन करना है? नहीं नहीं, ये सब मेरे साथ आए हैं, मेरी सोसाइटी में रहते, मेरे पड़ोसी है। अच्छा, ये मिस्टर अय्यर बड़ा कम, और मैं तारक मेहता। ये हमारे चाचा जी है। नमस्ते नमस्ते। ये पत्रकार पोपटलाल। नमस्ते जी, मैं रोशन सिंह सोडी। बोलिए क्या बात है? हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आइए बैठिए बैठिए। आइए चाचा जी, आइए। कुलकर्णी जरा तीन चार चेयर। नहीं नहीं चौके। अच्छा बताइए, सही सलामत बैंक आप लोगों की क्या सेवा कर सकते? मैनेजर साहब, सेवा तो आपकी बैंक सालों से कर रही है, लेकिन अभी जो ये बैंक के घपले बाहर आ रहे हैं वो देख के जरा डर लग रहा है। ये देखिए आप, हेडलाइन पढ़िए। देखा मैनेजर साहब, सीधी सादी बैंक में करीब 800 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। सर ये बैंक वाले क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो गया है। सुबह अखबार खुला नहीं कि हर तीन चार दिन के बाद किसी ना किसी बैंक के घपले की खबर होती है। पैसे भी हमारे और परेशानी भी हमें, ऐसा क्यों चलेगा? मैनेजर साहब, हम लोग तो यही जानने आए हैं आम आदमी का पैसा बैंक अकाउंट में सेफ है कि नहीं। जी हाँ जी हाँ, सभी के पैसे बैंक में सेफ है। कि मैनेजर साहब, जिस तरह से अखबार में बैंक के घपलों की खबर आ रही है वो सब देखकर बहुत डर लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बैंक में मेरी जो FD है वो मैं पैसे निकालूं और कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। क्यों? मतलब भगवान न करे, लेकिन अगर कहीं आपकी सही सलामत बैंक में भी घपला हो गया तो? और सर ये कॉमन मैन का मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है, सारी बचत बैंक अकाउंट्स में ही जमा होती, अगर बैंक को कुछ हो गया तो हम जैसे आम आदमी का क्या होगा? अरे मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और बैंक अकाउंट में जो हमारा पैसा होता है उसका तो इंश्योरेंस भी नहीं होता। मैनेजर साहब, बैंक में मेरे जो पैसे हैं उसके भरोसे ही मैंने बहुत सारे सपने देखे, भगवान न करे लेकिन अगर बैंक में कोई गड़बड़ हो गई तो मैं क्या करूंगा? देखिए मैनेजर साहब, हम सबकी चिंता बहुत स्वाभाविक है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय इंसान के लिए बैंक सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है, और अगर बैंकों में भी ऐसे घपले होने लगे तो हम लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ देखिए, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये घपले बंद हो। नहीं सर, जब सरकार कोशिश कर रही है तो फिर भी ये घपले क्यों हो रहे हैं? हाँ परिणाम तो आ ही नहीं रहे। अरे कोशिश के बाद कोई परिणाम तो आना चाहिए। आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं सब कुछ समझाता हूँ। अरे मैनेजर साहब, बैंक के घपलों ने पूरे देश को गर्म तवे पर बिठा कर रखा है, हम लोग शांत कैसे रहे? प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। सुन लीजिए भाई, एक बार बोलने दीजिए पोपटलाल, एक बार मैनेजर साहब क्या कहते हैं बोले। हाँ बोलिए सर बोलिए। देखिए आम आदमी के जो भी सपने होते हैं, घर के, गाड़ी के, बच्चों के एजुकेशन के, उज्जवल भविष्य के, ये सारे सपने बैंक की लोन से पूरे हो सकते हैं। बैंक तो शादी करने के लिए भी लोन देता है। किसी भी इंसान को छोटी मोटी लोन चाहिए तो बैंक देता ही है, और उस पे जो ब्याज आता है उसी पैसे तो बैंक का कारोबार चलता है। लेकिन मैनेजर साहब, बैंक जो लोन देता है वो पैसे आम जनता के ही तो होते हैं ना? बिल्कुल, आम जनता के ही होते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। जब आम जनता बैंक में पैसे डिपॉजिट करती है और उस पे जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज कहाँ से आता है, वो प्रॉफिट कहाँ से आता है? क्या बैंक देता है वो ब्याज? नहीं, आपके पैसे से बैंक जो लोन देता है उस लोन पे जो ब्याज आता है उसी से बैंक का कारोबार चलता है। इसमें से कुछ हिस्सा आपको मिलता है और पूरा व्यवहार परस्पर चलता है। और जितने ज्यादा लोग बैंक में लोन लेते हैं उतने ही ब्याज ज्यादा जमा होता है और उतने ही बैंक को फायदा होता है। बिल्कुल, जब बैंक का फायदा होता है तो सामान्य लोगों का भी फायदा होता है। बैंक में जितने ज्यादा लोग पैसे जमा करवाएंगे बैंक उतना ही समृद्ध होगा, और बैंक समृद्ध होगा तो बैंक ब्याज भी कम लेगा,
सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका फायदा मतलब बैंक का फायदा, और बैंक का फायदा मतलब पूरे देश का फायदा। मैनेजर साहब, तुम्हारी गल एकदम ठीक है, पर लोगों का पैसा तो डूब ही रहा है। लोन देने के पहले आप लोग कागजात चेक नहीं करते? आम आदमी को 1-2 लाख का लोन चाहिए तो आप लोग 1000 पेपर्स मांगते, यहाँ करोड़ों के लोन आप बिना पेपर्स देके सैंक्शन कर देते। बैंक किसी को भी लोन नहीं दे देता है मिस्टर, पूरे डॉक्यूमेंट और पर्सन की एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही लोन मिलता है। अब तो ये सवाल और ज्यादा प्रासंगिक हो गया मैनेजर साहब, अगर आप सारे कागजात चेक करते हैं, सब कुछ देख के लोन देते हैं, तो फिर ये घपले हो क्यों रहे? हाँ, और इसके लिए रिस्पांसिबल कौन है? हम ही है। मतलब चाचा जी, हर एक क्षेत्र में कुछ अच्छे लोग और कुछ बुरे लोग होते हैं। कुछ बैंक के कुछ कर्मचारी लालची है, वो ही जिम्मेदार है इस सब के लिए। कुछ ऐसे ही बेईमान कर्मचारियों की वजह से बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा हो गया। जिन जिन लोगों ने लोन लिया है पर वापस देने की नीयत नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता बैंक के गफलों के लिए जिम्मेदार है। जो भी इस गफलों के लिए जिम्मेदार है वो पुलिस और सरकार की नजरों में है, वो बच नहीं पाएंगे। लेकिन जो लोग देश छोड़ के भाग गए उनका क्या? उनको भी आज नहीं तो कल वापस आना ही पड़ेगा, और अगर वो वापस नहीं आए तो पूरी जिंदगी उनको भागते रहना पड़ेगा और छिप छिप के जीना पड़ेगा। बताइए, अब ऐसी जिंदगी का कोई फायदा है? इस तरह के पैसे का क्या फायदा? करेक्ट, एग्जैक्टली। इसलिए चिंता मत कीजिए सर, सरकार बैंक को प्रोटेक्ट करती है। अगर सभी बैंक में गफला होने लगा तो देश तो खत्म हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, बैंक आपके साथ है। आप बैंक के साथ रहिए और देश की उन्नति में भागीदार बनिए। देखिए, बैंक और बैंक से मिलने वाला लोन आम आदमी की ताकत है, उसे कमजोरी मत बनाइए। करेक्ट। मतलब कुल मिला के आपके सही सलामत बैंक में जो मेरी FD है वो सही सलामत ही है? बिल्कुल बिल्कुल, सही सलामत ही है। देखिए मैनेजर साहब, आपने जो कुछ भी बताया वो हमें समझ में आ गया, फिर भी एक बात कहे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। हाँ बोलिए। क्या है कि सब लोग विश्वास के साथ अपनी मेहनत की कमाई बैंक में जमा करते हैं, यूं समझिए कि उनका भविष्य आपके हाथों में होता है, तो आप लोग ये जिम्मेदारी एकदम ईमानदारी से निभाना। जी चाचा जी। और रब जी से यही अरदास है, सब लोगों के पैसे सब बैंकों में हमेशा सुरक्षित रहे, और ये जो घोटालों का सिलसिला है ना, ये बंद हो। मैनेजर साहब, आपने जो ये विस्तार से हम सबको इस सारी बैंकिंग सिस्टम के बारे में समझाया और हमें जो विश्वास दिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्वास के साथ अपनी FD रिन्यू करवा सकता हूँ। अरे कर सकता हूँ क्या, मैं खुद आपकी FD रिन्यू कर देता हूँ। अरे आपकी नई FD। अरे वाह, 20 लाख रुपए, ये फाइनली FD रिन्यू हो गई है। आ मुबारक मेरो, इस बार में तो पार्टी जाटी बनती है। ओ पेड़े की पार्टी जाटी, भाई मीठा मुंह करना तो बनता है ना। हाँ वो तो हम लोग घर पे जाते थे रस्ते से ले लेंगे। अभी डॉक्टर आते यहाँ पर होते ना तो कहते कि पेड़े का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया। और बोलते सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ए माधवी, लौकर बाहर ये। ए माधवी, माधवी फाइनली हमारी FD मैच्योर हो गई। ₹30 लाख के मालिक हो गए हम लोग, लखपति हो गए। आपने देखे इतने सारे पैसे कैसे लग रहे थे? बेटा भाई ऐसे थोड़ी दिखते, तो बैग में रहेंगे ना पैसे। पापा से यही प्रार्थना है कि हमारे अकाउंट में ऐसे पैसे जमा होते रहे। यस यस, पहले पापा का मुंह मीठा करते हैं, फिर हम लोग मीठा खाएंगे। हे गणपति बापा, आज आपके आशीर्वाद से हमने थोड़े थोड़े करके जो पैसे जमा किए थे
आज वो आंकड़ा ब्याज के साथ पूरे 30 लाख तक पहुँच गया है। इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बापू। बस इस खुशी में कहीं बहक न जाए इतना ध्यान रखना। और पापा हमारी सोनू जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े, दुनिया में नाम रोशन करे, हमारी मेहनत से ऐसे ही FDs बनती रहे, बैंक में थोड़े थोड़े से ही लेकिन पैसे जमा होते रहे, परिवार में सबकी तबीयत अच्छी रहे, गोकुल धाम में शांति बनी रहे, टप्पू सेना बहुत प्रगति करे, आचार पापड़ और ट्यूशन का क्लास अच्छे से चलता रहे। तो कितना मांगेंगे? सॉरी सॉरी गणपति बाप्पा, मोरया, मंगल मूर्ति, मोरया। ये वाह वाह मस्त है ना। एक मानसा जो मज्जा हुआ आज है आपके लिए मस्त पेगी खाने में स्पेशल कुछ बनाए। क्या है स्पेशल? पुरण पोली, मसाले भात, कोथिंबीर वड़ी और झणझणीत कोल्हापुरी ठेचा। ओ हो हो क्या बात है, क्या स्पेशल मेन्यू है आज। ये मधु क्या प्यार से मुझे मधु करके बुलाते हो ना, उससे मुझे एनर्जी मिलती है सब बनाने की। अच्छा तो आज तुम प्यार से मेरा नाम लेके बुलाओ। क्या आपका नाम लेके? गायत्री। अरे गायत्री क्या है उसमें, बुलाओ बुलाओ। नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। अरे शर्माने का क्या माती है उसमें, बोलो ना। नहीं माला लाज वाटते। अरे लाज क्या वाटते, हम दोनों के सिवा यहाँ पे है ही कौन। नहीं वो देख रहे हैं। कौन? माधवी बापा को साक्षी मानकर हमने शादी की है, उनसे क्या शर्माना, बोलो बोलो। और वैसे भी आज खुशी का दिन है, 30 लाख के मालिक हुए हम। हाँ ये तो ये तो मारा। ओहो हो क्या बात है, थैंक यू बापा थैंक यू। एक बार और एक बार। नहीं 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 क्या क्या सोड़ी तुम, क्या कभी भी आके उठा लेते हो, बार बार उठा लेते हो भाई। मैं तो करूंगा भाई। अरे बच्चे की तरह बोल रहे हो जिद करके, मैं तो करूंगा। अरे भाई भगवान न करे कमर में मोच अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। ओ पिड़ो ये यारों का प्यार है, और यारों के प्यार का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। और ये पंजाब का पुत्र रोशन सिंह सोढ़ी अपने दोस्तों पे जब उठाता है ना, लेने के देने नहीं लेने के लेने पड़ जाते हैं। मैं तूने प्यार से तेरे लिए कुछ ला गया ऐसी। अरे अरे वाह, पर अब तुझे नहीं खिलाऊंगा, अब तो ये सिर्फ सोनू और माधवी भाभी खाएंगे। माधवी भाभी। अरे सोढ़ी भाई आपका भाई। और माधवी भाभी बस अभी आया। अच्छा वो रोशन डार्लिंग को जैसे ही पता चला ना आप लोगों की FD रिन्यू हुई है, तो उसने मस्त पासी स्टाइल का ये मावा केक बना के भेजा। ओह कितने गोड़। अरे माधवी भाभी ये सिर्फ आप और सोनू ही खाएंगे। कहा? जिनकी कमर में दोस्तों के उठाने से प्रेशर आया था ना उनको नहीं मिलेगा ये केक। समझ गई मैं क्या चल रहा है आप दोनों में। अभी क्या करे माधवी, मेरे नसीब में तो है नहीं इतना अच्छा मावा केक, तुम और सोनू ही खा लेना। अब पिड़ो तो मेरा खास यार है यार, तेरे को कैसे नहीं खिलाऊंगा। माधवी भाभी तुम्हें दो ना। अल्लाह पिड़ो। वाह अरे माधवी भाभी को भी खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे यार पिछले 1 घंटे से 2 मिनट 2 मिनट कर रही हूँ, जल्दी करो ना अंजलि, मुझे देर हो रही है आज। क्या खबरें हैं? 4,500 पति लापता, पत्नी से परेशान होकर संन्यासी बने, क्या हो रहा है इस देश में। कमाल है यार, लोगों में धैर्य ही नहीं रहा। अंजलि मुझे लेट हो रहा है। आई बाबा आई, 2 मिनट कहाँ ना, ये लीजिए आपका टिफिन। पर इतनी देर अंजलि। तारक मैं आपका टिफिन ही रेडी कर रही थी, किचन में टाइम पास नहीं कर रही थी। मैंने कब कहा अंजलि के टाइम पास कर रही थी, मुझे लेट हो रहा है आज, मेरे को ऑफिस जल्दी जाना है। और तुम हो कि आप बस ना काम ही करते रहिए, हमेशा काम काम काम। अंजलि प्लीज अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओगे, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैंने कहा कुछ कहा? लो बाकी जो समय बचता है ये दूरभाषी यंत्र ले लेता है,
आप रुकिए एक मिनट, मैं आई अभी। हेलो, हाँ तारक मेहता बोल रहा हूँ। अरे कल से मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैं लेखक हूँ तो मैं लिखता हूँ पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ भाई, मैं खुद के लिए लिखता हूँ, मैं किसी की पर्सनल चीजें नहीं लिख सकता। यार आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट मत करिए, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे फोन मत करना, मैं इस तरह से कोई चीज नहीं लिख सकता किसी के लिए। मैं आर्टिकल लिखता हूँ आसपास की समस्याओं पे, मैं अपने लिए लिखता हूँ, लेकिन ऐसे कोई निजी चीज तो नहीं लिख सकता ना। प्लीज प्लीज नहीं, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मैंने मना कर दिया ना सर, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख सकता, सॉरी 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 प्लीज। नहीं मैं अपना फोन रखता हूँ और आप प्लीज मुझे फोन मत करना। कमाल का आदमी, अभी कैसे समझाऊं कि मैं मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, खुद के लिए कविताएं लिखता हूँ, सरस्वती पुत्र हूँ, सरस्वती पुत्र से कुछ भी लिखवाएंगे? अजीब अजीब फोन आते हैं भाई। क्या बात है, मेरे पतिदेव इतने पॉपुलर जो है, लोग फोन पे फोन करते ही रहते हैं। अरे नहीं ऐसा नहीं है अंजलि, ऐसा ही है तारक, आप सिर्फ जेठा भाई के नहीं बाकी सब लोगों के भी फायर ब्रिगेड हो। अंजलि मुझे लेट हो रहा है, अब मैं निकलूं? अरे रुकिए मेरे प्यारे पतिदेव, आप अपना रुमाल लेना तो भूल ही गए। थैंक यू अंजलि, चलो मैं चलता हूँ। रुकिए ना, जाने से पहले प्यार से आई लव यू तो कहते जाइए ताकि मेरा सारा दिन अच्छे से बीते। अंजलि तुम्हें तो मैं हर क्षण हर पल कह सकता हूँ, और कह सकता क्या हूँ, महसूस करता हूँ, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। चलो अब मैं चलूं। तारक एक मिनट, लंच टाइम में मैं फोन करूंगी, आप उठाना। हाँ जेठा भाई का फोन आता है तो आप कैसे हमेशा उठाते हैं? अच्छा भाई उठा लूंगा और तुमसे बात भी करूंगा, मैं चलूं, देर हो रही है। जाइए जाइए, अपनी पत्नी के लिए आपके पास दो मिनट का भी वक्त नहीं है। अभी जेठा भाई बाहर मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम बताएंगे तो वो सॉल्व करने के लिए आप तुरंत रुक जाएंगे। अंजलि अभी भगवान भी अगर मिल जाएंगे और कहेंगे कि रुकिए तारक मेहता जी, तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं निकल जाऊंगा, मुझे इतनी देर हो रही है, मैं चलूंगा प्लीज, मेरे को बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूं, बाय 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 बाय, शाम को जल्दी आना। अरे बाप रे, दुकान जाने में बहुत लेट हो गया। शांति से खा, शांति से खा, इतनी घाई क्यों कर रहे? पहले पानी पी, फिर बात कर। अरे रुक जा, पानी पी ले, फिर बात कर। सॉरी बाबूजी, वो दुकान जाने में देर हो रही है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी खा रहा। तू एक काम कर जीटे, तू है ना पेट पे चेन बनवा। तो क्या है ना, जब भी तुझे दुकान जाने में देर हो रही हो तभी क्या करने का, चेन खोल के खाना सीधा पेट में रख देना। तो ये खाना चबाने में जो टाइम जा रहा है उसकी मगजमारी भी नहीं रहेगी और तेरा पेट भी भर जाएगा। आइडिया अच्छा है बापूजी, मैं हाथी भाई से पूछूंगा। सॉरी बापूजी, वो आपने मजाक की शुरुआत की तो मैंने भी लग गया, थोड़ी मजाक कर ली। शांति से खा भाई, शांति से खा, दो पांच मिनट दुकान देर से जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन खाना अगर गले में अटक गया ना तो तबीयत बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए शांति से खा। हो गया हो गया बापू, हो गया। दादाजी दादाजी, मैं आपको एक पहेली पूछूं? पहेली? अच्छा उखाड़ू, हाँ पूछ पूछ। तो बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है? आगे से भगवान ने बनाया, पीछे से इंसान ने बनाया। सोचिए सोचिए। पता नहीं भाई, तू ही बता दे। बैलगाड़ी, जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाई है। अरे हाँ, बराबर। पापा जी मैं निकलता हूँ। पापा मैं आपको एक पहेली पूछूं? बेटा अभी नहीं, अभी मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। पापा पापा पापा, एक पहेली प्लीज, एक पहेली। अरे बेटा ये बच्चों के खेल में मुझे कहाँ घसीट रहा है, तो अपने टप्पू सेना के साथ खेल जा। अरे उसमें बच्चों का खेल क्या जीतिया, कोई भी खेल खेलने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में कोई भी खेल खेल सकते हैं। अरे खेल खेलने से शरीर स्फूर्तीला और दिमाग तेज होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है बापू जी, मैं देखिए कहाँ कोई खेल खेलता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग तो तेज ही है। अच्छा पापा, अगर आपका दिमाग तेज है तो मेरी पहले का जवाब दीजिए ना। देखिए दो मिनट लगेंगे जवाब देके जा, तब पूछ पूछ। अच्छा तो बताइए पापा, ऐसी कौन सी चीज है जो अच्छी नहीं है फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते हैं?
सोचिए सोचिए। अच्छी नहीं है फिर भी पीने की सलाह देते हैं। दवाई 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 अच्छी नहीं है, कड़वी कड़वी होती है ना बापूजी, फिर भी उसे पीने की सलाह तो मिलती ही है। रॉन्ग आंसर पापा, सोचिए सोचिए। अरे छोड़ ना भाई अभी। सोच सोच, मेरा दिमाग तो बहुत तेज है ना, अभी जवाब दे। ना दिमाग तेज है लेकिन अभी क्या वो दुकान जाने में लगा हुआ है ना, इसलिए यहाँ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है बापू जी। चल चल अबे कपूड़ा दे दे जवाब। हाँ दे 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 चल। जवाब है गुस्सा। गुस्सा? अरे हाँ टपूड़ा एकदम बराबर जवाब है, गुस्सा करना बिल्कुल अच्छा नहीं, फिर भी लोग उसे पीने की सलाह देते। मुझे बापू जी अभी दुकान जाने की जल्दी नहीं होती ना, तो ये जवाब मैं जरूर दे देता। रेगा दे, रेगा दे, जा जा दुकान जा। ओके चलो बापू जय जय। हाँ जय जय। चलो बाय बापा। बाय बाय बाय। दोस्तों ये पहली बड़ी मजेदार चीज होती है, पहली पूछने वाले को, पहली का हल बताने वाले को, दोनों को ही बड़ा मजा आता है। जेठाल बड़ा बेफिक्र होकर पहली का खेल खेल के घर से निकला तो है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक और पहली उसका इंतजार कर रही है। अब वो एक और पहली क्या है तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप भी सोचने की चिंता छोड़ दीजिए, बिल्कुल टेंशन मत दीजिए। लेकिन पहली तो है, अब ये पहली कौन सी है और देखना यह है कि क्या इस पहली को पूछ पाता है जेठाल, क्या पहली का हल निकाल पाएगा, पहली का उत्तर जान पाएगा, या फिर ये पहली कुछ और करने ही वाली है। ये तो बड़ी पहली है, लेकिन इस पहली का हल मिलेगा आपको जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो क्या होता है जेठाल के साथ, बस देखते रहिए, हंसने के लिए किसी पहली की आवश्यकता नहीं है, हंसते रहिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।